गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो कंटिन्यू आवर चैप्टर चैप्टर नंबर 21 मैपिंग आवर नेबरहुड. यस्टरडे वी रीड अबाउट स्केच. दीज आर द लैंडमार्क्स. ओके देन मैप. टुडे वी रीड लैंग्वेज ऑफ अ मैप. मैप को कैसे पढ़ते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर शोन ऑन अ मैप. इट नीड्स टू हैव अ लैंग्वेज. द लैंग्वेज ऑफ अ मैप रिमेन्स द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और मैप की जो लैंग्वेज होती है वो सेम होती है. इट इज मेड अप ऑफ और कौन कौन से, देखो मैम ने मार्क भी कर रखा है, क्वेश्चन का आंसर है ये. डायरेक्शंस, कलर्स, साइन एंड सिंबल्स एंड स्केल. दिस आर द लैंग्वेजेस ऑफ मैप. फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस ऑन मैप. और मैम ने यहाँ पे टिक भी कर रखा है, वेरी शॉर्ट का आंसर नंबर टू का आंसर भी है. देर आर फोर मेन डायरेक्शन. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. दिस आर द फोर मेन डायरेक्शन. अ सब डायरेक्शन लाइज बिटवीन टू मेन डायरेक्शन. लाइक देर आर फोर सब डायरेक्शन लाइक नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट के साइड में सेंटर में क्या है, नॉर्थ ईस्ट. देन ईस्ट एंड साउथ के सेंटर में क्या है, साउथ ईस्ट. देन साउथ वेस्ट के सेंटर में क्या है, साउथ वेस्ट. एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के साइड में क्या है, सेंटर में क्या है, नॉर्थ वेस्ट. दिस आर द सब डायरेक्शन. ओके तो दिस आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू. देन एंड दिस सिंबल आल्सो ड्रॉ इन योर नोटबुक. कलर्स ऑन मैप. ऑन अ मैप्स डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट प्लेसेस लाइक वाटर. हम वाटर किस कलर में यूज करते हैं, ब्लू कलर में. तो सी हियर कलर्स ब्लू. ब्लू कलर में क्या होता है, वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स. यू सी हियर जो ये मैप किसका है, हमारे कंट्री का, इंडिया का. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. और आपको दिख रहा है थ्री साइड्स में पेनिनसुला है ब्लू कलर. इसका मतलब वाटर ही वाटर है. दिस इज पेनिनसुला. A piece of land surrounded by water from three sides. Green, green color is plain, समतल भूमि. जो green green हरियाली होती है उसे बोलते हैं. Yellow color क्या show करते हैं, highlands की यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं. Dark brown भी mountains and hills. And white snow, white किस लिए होता है, बर्फ के लिए. तो ये map की colors हैं. Then signs and symbols on map. कौन कौन से साइंस होते हैं, देखो ये सिंबल्स भी आप यू आल्सो ड्रॉ इन दी इन योर नोटबुक. दिस इज अ साइन ऑफ रोड, मेटल रोड है. दिस इज रोड, अनमेटल रोड. दिस इज साइन. देन ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रिवर, कैनाल, डैम, ब्रिज. तो यू मेक दिस ऑल सिंबल्स इन योर नोटबुक. स्केल इन मैप्स. वी नो दैट द अर्थ इज ह्यूज इन साइज. जैसे हमें पता है अर्थ बहुत ह्यूज है, विशाल है. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू शो इट्स एक्चुअल साइज ऑन अ मैप. मैप्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. देयरफॉर अ टूल नेम स्केल इज यूज टू शो डिस्टेंस ऑन अ मैप. इसलिए मैप को के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल. दिस इज कॉल्ड स्केल ऑफ द मैप. फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज अराउंड 200 किलोमीटर. एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, 200. बट वेन वी मेजर द डिस्टेंस ऑन अ मैप वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 2 सेंटीमीटर. क्योंकि मैप तो छोटा होता है, इतने छोटे में 2 किलोमीटर कैसे शो करेंगे, तो उसको शॉर्ट में कर दिया जाता है. किलोमीटर में किसमें कर दिया, 2 सेंटीमीटर. हैंस वी कैन से दैट द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज शोन थ्रू 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप. तो मैप की स्केल क्या होती है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऐसे शो किया जाता है. वेन द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज शोन इन 3.5 सेंटीमीटर ऑन द सेम मैप विद द सेम स्केल एज अबव, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज. देखो 3.5 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर. तो 300 क्या हो जाएगा, 300 है ना, ठीक है ना. अगर 3.5 नहीं आ रहा तो 3 का क्या हो जाएगा, 300 किलोमीटर. मैप्स आर आर फ्रेंड्स एंड गाइड्स एज दे प्रोवाइड अस विद यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लेसेस. तो मैप हमारे क्या है, फ्रेंड्स हैं, गाइड्स हैं, जो हमें प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन. जब हमें दिल्ली जाना है या आपको कहीं भी जाना है मुंबई, तो आप मैप से उसे नोटिस करके जा सकते हैं. तो मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन हियर इज द बुक एक्सरसाइज. फिल दिस बुक एक्सरसाइज. अ रफ ड्रॉइंग ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड अ स्केच. टू रिप्रेजेंट a landmark on a sketch we use a symbol. Blue color on a map represent water bodies. The area around our home is called neighborhood. The sub direction northeast lies between the north and the east. Scale is used to show distance on a map. White color shown area covered with snow on a map.
We take the help of a road map to locate a place in the city. Okay, fill your book exercise. Bye bye. Read the chapter carefully.